कैसे जान हथेली पर लेकर बांस की पुलिया पार करते हैं बच्चे, बुजुर्ग, युवा। किसी भी वक्त हो सकती है दुर्घटना, जा सकती है जान, फिर भी मजबूर है ग्रामीण। ना कोई विकल्प, ना कोई और रास्ता। क्या यही असल विकास है? आखिर क्यों ठोकी जाती है विकास की झूठी ताल? आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि विकास के दौर में एक ऐसा भी गांव है जहां के ग्रामीण सड़क के लिए तरस रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने देशी जुगाड़ लगाकर सड़क पार करने के लिए एक बांस की पुलिया बना डाली। हालांकि इस पुलिया से सड़क पार करना जोखिम भरा है, फिर भी मजबूरी ने ग्रामीणों के पैर में बेड़ियां जुबान दी है। श्रीरामपुर से 45 किलोमीटर दूर बाबा भोलेनाथ की नगरी तारकेश्वर का एक गांव जगन्नाथपुर, जहां आज तक सड़कें नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि माकपा से लेकर टीएमसी के शासनकाल तक सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं। नेता, मंत्री, विधायक सब आए, मगर सिर्फ चुनाव के वक्त। चुनाव खत्म, वादे भी खत्म। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि ग्रामीणों की फरियाद सुनने वाला तक कोई नहीं। विधायक से लेकर पंचायत, प्रशासन, बीडीओ सभी के पास शिकायत दर्ज हुई, लेकिन आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं हासिल हुआ। आने वाले चुनाव के मद्देनजर अब भाजपा भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। भाजपा रामबाग संगठन के तरफ से इस रास्ते को अविलंब बनाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के सहयोग से वृहत्तम रूप से आंदोलन करने का मन बना रही है। আপনার নাম? আমার নাম সম্পদ মুদি। এই পুলটা যদি হয়, এই পুলটা হওয়ার জন্য আমরা 5 মিনিটের মধ্যে আমরা পরিষেবা পাবো। একটা রেশনের দোকান, দুটো ব্যাংক, একটা হাই স্কুল, একটা প্রাইমারি স্কুল, তিনটে বাজার, আচ্ছা, জাঙ্গিপাড়া, রাজবলহাট, পিয়াছাড়া, চাপাডাঙ্গা, চারটে বাজার। দারুণ কথা বলছেন। আচ্ছা, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা নয়, এই 2 মিনিট এই পুলটা পাওয়ার জন্য এই পরিষেবা থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। আর এই পরিষেবাটা পেতে গেলে আমাদেরকে ঘুরপথে আসতে হয়, এই 2 মিনিটের রাস্তাটা 1 ঘন্টা লাগে। আপনারা কি ভিডিওতে জানাবেন? ভিডিওতেও জানানো হয়েছিল, ভিডিও সব এসেছিলেন, উনি দেখে চলে গেছেন। মানে আর আপনারা জানাতে আর ইচ্ছা করছে না? আর কোথাও ইচ্ছা করছে না। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে দরখাস্ত লিখে লিখে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে প্রচুর দেয়া হয়েছে, দরখাস্ত লিখে লিখে কিছু হচ্ছে না। এমএলএ কে বলা হয়েছে দুবার, আমি নিজে এমএলএ এর সঙ্গে ঝগড়া করেছি, উনি বারবার বলেছেন হবে কিন্তু হয়নি, আর করতে পারবেন না। উনি জিতবেন কিনা সন্দেহ আছে। আমাদের পাড়ার লোক বলছে ভোট দেবো না আমরা। आप देख रहे हैं तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल दस्तक भारत। खबरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।